बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ दिस इज ऑल्सो ऑफ टू हंड्रेड वर्ड्स बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ बहुत कुछ हो सकता है वेदर इट इज योर एग्जाम डे वेदर कि आपके घर पर कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है या आपकी शादी हुई है या कोई एक ऐसा दिन जो आपके लाइफ में कुछ नया बदलाव लाए सो हियर द टॉपिक स्टार्ट्स विथ टू हंड्रेड वर्ड्स यहाँ भी हमने पैराग्राफ अलग अलग लाइन्स में बांटे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो The best day of my life was when I went on a school outing with my friends. We ate delicious food and enjoyed the day to the fullest. वो कप एट सिक्स ए एम एंड गॉड रेडी फॉर माई स्कूल तो जैसे मैंने कहा यहाँ इंट्रोडक्शन दो लाइन का हमने दिया और प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने मैंशन किया था कि आपकी वर्ड लिमिट अगर ज़्यादा है तो आप अपनी आ, ऐसे कोया पैराग्राफ को अच्छे से एलाबोरेट कर सकते हैं विथ मैंशनिंग योर टाइम तो जैसे यहाँ हमने मैंशन किया कि आप छः बजे उठे हैं और आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ आउटिंग फ्रॉम स्कूल माई मदर ड्रॉप्ड मी टू स्कूल फ्रॉम देअ वी वेंट टूं पार्क बायशन किया और फिर स्कूल से आप बस से गए ड्यूरिंग दर्नी जर्नीड गेम्स एंड डिनी मोर फन एक्टिविटीज स्नैक्स एंड प्लेड गेम्स विद टीचर्स ऑल्सो वेन वी अराइव वी विजिटेड दाइंस सिटी एंड एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट सो यहाँ पर आपने बताया कि आपने बस में क्या 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 डांस किया गाने गाए स्नैक्स खाया आपने और फिर आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे बिसाइड द साइंस पार्क इट वॉज अ वाटर पार्क सो वी क्विकली चेंज अर क्लोथ एंड जम्प इन दूल वी इन्जॉय आयर सेल्व इन दूल एंड वी केप्ट ऑन प्लेइंगर दैट वी टुक अबाउट एंड चेंज क्लोथ वी हैड रैंड चिकन फोर आर लंच सो अब आपने एक्सप्लेन करना है कि जिस पार्क में आप गए थे वो पार्क कैसा था और क्या क्या एक्स्ट्रा फ्किलिटीज़ थी वहाँ पर जो उसकी आपने इंजॉयमेंट की जिससे आपने खेला और बहुत ही इन्जॉय किया एंड आफ्टर दैट कि आप ये बताइए कि खेलने कूदने के बाद या फिर आप पूल में जाने के बाद स्विमिंग करने के बाद आपने क्या किया आपने खाना क्या खाया और कैसे खाया वी हैव मैंशन दैट वी हैड राइस एंड चिकन फॉर आर लंच We love the food. After the food, we returned by bus. During the whole bus journey, we sang and danced. So, is a जैसे आप एक journey picnic में जा रहे तो you have to mention both the times कि आप जाने वक्त क्या कर रहे थे और आप आने वक्त क्या कर रहे थे अगर आपकी word limits ज़्यादा है तो आप आने वक्त की description में भी बहुत कुछ डाल सकते हैं This day is memorable as I could spend it with my friends. The day was a day to be remembered. We had so much fun together. Everything is worth remembering from the beginning to end of the journey. So you conclude that you will always remember this day because you have the first experience of seeing the outer world with your friends. So the outer world with your friends is a great thing. और ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन था यहाँ हमारा वर्ड लिमिट ट्रू हंड्रेड का भी था आपको हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस इन सभी टॉपिक्स पे अपने थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स के भी वीडियोस डालेंगे इससे हमने इससे पहले हमने अपने वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस की जैसे माई फेवरेट टीचर माई एम्बिशन इन लाइफ माई हॉबीज इंडिया हार्डवर्क डिसिप्लिन पोल्यूशन माई ट्रिब्यूट टू तो मेट्रेट्स और हमारी पैराग्राफ राइटिंग की फॉर्मेट अगर आपसे ये सारे वीडियोस मिस हो गए हैं या ये सारी टॉपिक्स मिस हो गई हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और इन सभी वीडियोस को तुरंत से देखें आपको हमारे चैनल पे एन बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि टी एम एस कैसे सॉल्व करना है एन बोर्ड में एडमिशन कैसे लेना है एडमिशन प्रोसीजर क्या है फीस कितनी है पेमेंट कितनी लगेगी और ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है हॉल टिकट्स कब मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर ए टू जेड एन बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी आपको बस करना ये कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें